ओम साई राम, कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओगे नहीं, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? क्या किया तुमने? क्या-क्या हुआ तुम्हारे साथ मेरे बच्चे? आज जो तुमने इतने लोगों का साथ जो दिया था, मैं वही देख रहा था। ये सब मत बताना मुझे। क्या तुमने किसकी मदद की थी? किसका साथ दिया था? ये बताओ कि तुम्हारे साथ किसने गलत किया था और तुमने किसके साथ आज गलत किया था? किसका फायदा उठाया था? ये सब बताओ मुझे। इतना तो मुझे विश्वास है कि तुम कभी किसी का फायदा नहीं उठा सकते हो मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ मेरे लाडले, कि ये जो तुम इतने चिंतित मुझे लग रहे हो अपने भविष्य को लेकर, क्यों चिंता कर रहे हो भविष्य के बारे में? तुमने आज की भी खुशी यही सोचकर गवा दी ना, कि भविष्य की चिंता करते करते कि क्या होगा भविष्य में, भविष्य तुम्हारा कैसे होगा, भविष्य में तुम्हारा रोजगार व्यापार कैसा चलेगा, कौन सा व्यापार करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, यही सब चिंता सता रही है ना मेरे बच्चे। तुमने सारे दिन चिंताएं करी है ये, अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मेरी लोरी सुन के या मेरे भजन सुन के तुम्हें इस समय आराम से सो जाने की आवश्यकता है मेरे बच्चे, क्योंकि दिन में भी तुम सोचते हो और रात को भी तुम सोचोगे, तो क्या तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगड़ने की संभावना रहेंगी। जब तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे सब कुछ अच्छा होगा? कैसे तुम कर्म करोगे? अपना कोई भी कार्य भी नहीं कर पाओगे। और कल तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है ना कल तुम्हें, और जल्दी भी जा, और तुम्हें तो कल उस कार्य को करने के लिए जाने के लिए बहुत जल्दी भी जागता है ना, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो मेरे नाम का स्मरण करते करते? मेरे प्यारे बच्चे, तू आराम से सो जा, कोई भी चिंता मत कर, आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे अभी दिखूंगा मेरे बच्चे, तुझे महसूस होऊंगा और मैं तेरे पास खुद सोऊंगा। तू चिंता मत कर, मैंने तेरे सर पे हाथ रख रखा है। और जब तू आंखें बंद करेगा ना, अभी आंखें बंद करके मेरे भजन सुनेगा, ध्यान लगाएगा, तो मैं तेरे पास तुझे दिखूंगा। तू बस अपने घर की जिस भी कमरे में तू सोएगा, उस कमरे की लाइट बंद करना और आराम से आंखें बंद करना। फिर देख तुझे मैं चारों तरफ तेरे कमरे में, मैं ही मैं नजर आऊंगा। जब तू चारों तरफ देखेगा, जिधर देखेगा उधर मैं ही नजर आऊंगा। तो देख कितना प्यारा दृश्य होगा ना वो मेरे बच्चे। और जब तू यह सब देखेगा तो तुझे नींद भी बहुत प्यारी आएगी। इसलिए अभी अपने रूम की लाइट बंद कर और प्यार से सो जा। भजन चला आंखें बंद कर, ध्यान लगा मेरे नाम का, मेरा ध्यान लगा मन में। राजा राम सीता राम का स्मरण कर, साईं राम का स्मरण कर, जो तुझे नाम प्रिय हो उस नाम का तू स्मरण कर। ईश्वर एक है मेरे मेरे बच्चे, ईश्वर भिन्न नहीं है, ईश्वर के रूप भिन्न होते हैं। तू किसी भी नाम का स्मरण कर और मन में सोच ले कि तुझे ईश्वर के किस रूप के दर्शन चाहिए। मैं तुझे उसी रूप में दर्शन दूंगा और तेरे तेरे को सोते समय ही दूंगा मैं दर्शन। बस तू आंखें बंद करना, कमरे में उजाले को हटाना कुछ समय के लिए, और फिर देख मैं तेरे अंधेरे को मिटाने के लिए, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा आए ना उसे मिटाने के लिए मैं तेरे अंधेरे को मिटाऊंगा आके, और अंधेरे में तुझे दिखाई भी दूंगा मैं। अभी अभी ऐसा करना, ध्यान लगाना और कोई भी चिंता किसी भी प्रकार की मत करना। शुभ साई रात्रि। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।